जय श्री राम, जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। यानी हनुमान जी को जो याद करता है उनके सभी संकटों का नाश हो जाता है, उन्हें बल मिलता है, उन्हें शक्ति का देवता भी कहा जाता है। एक बात ये भी कही जाती है कि ये दुनिया प्रभु राम के बिना नहीं चल सकती, लेकिन प्रभु राम हनुमान के बिना नहीं चलते। हनुमान जन्मोत्सव है आज, यानी आज के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इससे ठीक 6 दिन पहले रामनवमी मनाई गई थी और कहते हैं प्रभु राम के जन्म के बाद ही हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध कनॉट प्लेस मंदिर में हूँ और अपने सहयोगी से कहूँ अगर वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मंदिर पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और लोगों को दो दो तीन तीन घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन ये कतारें लोगों को थका नहीं रही है क्योंकि भक्ति का एक भाव है, श्रद्धा का भाव है। कहते हैं हनुमान जी शक्ति देते हैं, हनुमान जी बल देते हैं, और उनके श्रद्धालुओं का शायद यही भाव है कि इतनी लंबी कतारें हैं लेकिन कोई थका नहीं। बिल्कुल, जब बजरंगबली के लिए आए हैं तो फिर थक कैसे सकते हैं, तो ये तो मतलब नाम में ही शक्ति है बजरंगबली, तो बिल्कुल थकना है नहीं। हम 2.5 घंटे से खड़े हैं बट एकदम एनर्जेटिक हैं एंड दर्शन से पहले कुछ खाएंगे भी नहीं, तो दर्शन के बाद भूखे प्यासे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह हम 7 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे एंड हम लोग 7:30 से यहाँ पे लाइन में लग गए थे एंड तब से लगे ही खाएंगे जो खाएंगे। अब हनुमान चालीसा की भी मैं बात करूं तो हनुमान चालीसा एक ऐसी चालीसा, हमें कुछ और आए ना आए, अगर आप हिंदू परिवार में जन्मे हैं तो हनुमान चालीसा हर बच्चे बच्चे को याद। सही बात है, क्योंकि हनुमान चालीसा में वो शक्ति है जो हमें नेगेटिव चीज़ों से लड़ने की शक्ति देती है। मतलब कोई भी आपका नेगेटिव ख्याल होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भूत प्रेत या फिर कुछ चीज़, कुछ भी अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई समाज की नेगेटिविटी है, किसी चीज़ से आपको डर लगता है, तो आप हनुमान चालीसा बोलेंगे ना वो सब डर 2 सेकंड में भाग जाएगा। तो सबसे पहले माँ अपने बच्चे को हनुमान चालीसा सिखाती है ताकि वो आ जाए तो बच्चा का डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म हो जाएगा तो माँ का डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि हनुमान चालीसा बच्चे को सिखाई जाती है, सबसे पहले माँ सिखाती है, माँ को पहला गुरु कहा जाता है और माँ ही अपने बच्चे को हनुमान चालीसा सिखाती है जिससे बच्चे का डर खत्म हो, और जब बच्चे का डर खत्म होता है तो माँ का डर खत्म हो जाता है। माता जी कहाँ से आई है? RPS कॉलोनी खानपुर से आया जी। आज तो मुझे लगता है दर्शन में लंबा इंतजार होगा। 3-4 घंटे लगेंगे मैम, इनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, खराब है तो आती भी नहीं। लेकिन फिर भी दर्शन करने आई हैं। क्या करें, 7:30 बजे लगे हुए। क्या मांगने वाले हनुमान जी से? कहते हैं हनुमान जी से तो जो मांगे वो फिर वो दे दे, उनकी इच्छा है। अच्छा, कलयुग में कहा जाता है अगर कोई देव अभी भी मौजूद है तो हनुमान जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हकीकत है जी, और जो मांगो दिल से वो मिले। कैसे हनुमान जी की पूजा अर्चना करने वाली है? लंबी लाइन तो है, तो कहेंगे प्रभु से कि बहुत लंबा इंतजार किया है, प्रभु फल दीजिए? नहीं नहीं, वो तो अपने आप सब कुछ दिया हुआ उन्होंने, हमें कुछ भी नहीं मांगने वाले। नहीं। अच्छा, एक चीज आपसे जरूर जानूंगी, हनुमान जी को कहते हैं हर उम्र का शख्स उनसे जुड़ जाता है, बच्चे तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हनुमान जी के भोग में लड्डू चढ़ाया जाता है, तो बचपन में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बड़ा कनेक्टेड महसूस करते हैं। ये तो है, ऐसा ना कि वो एक तो बच्चे के रूप में है तो वो पसंद करते हैं सबको, और हम लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं। हनुमान जी को कितना पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ एक तरह से, बड़ा भाई, बड़ा भाई, और हर तरफ उन्होंने जैसी मैंने माना है ना, ये सच फैक्ट है, उन्होंने साथ भी दिया है। यस, हनुमान जी तो अंतर ही हमें सबकी बातें पहचान लेते हैं, दिल से मैं मानती हूँ हनुमान जी को, बहुत मानती हूँ। तो एक जयकारा भी लगना चाहिए मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर अभी मुझे लगता है जहाँ तक मेरी नजरें जा रही हैं मुझे सिर्फ लाइन नजर आ रही है। बिल्कुल। कहाँ से आए आप लोग? लक्ष्मी नगर। हनुमान जी के दर्शन करने स्पेशली हनुमान जन्मोत्सव? लेकिन लाइन मुझे लगता है हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम।
बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें बहुत खास है, ये तस्वीरें आपको रोजाना यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो क्योंकि मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर स्वयंभू हनुमान जी हैं, तो यहाँ हर मंगलवार आपको लाइन जरूर नजर आती होगी, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव की मैं बात करूँ तो तस्वीरें कुछ और ही कहती है। यहाँ सुरक्षा के भी बहुत चाक चौबंद है, अगर वहाँ नजरें जाएं आपकी तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है जगह जगह। दिल्ली पुलिस भी यहाँ तैनात है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही कतारबद्ध तरीके से एक एक करके श्रद्धालुओं को मंदिर के भीतर भेजा जा रहा है, क्योंकि ये लाइन सुबह 5 बजे से यहाँ लगी हुई है और ये सिलसिला अभी रुकने नहीं वाला, थमने नहीं वाला, यानी पूरे दिन इसी तरह से एक एक करके श्रद्धालु मंदिर पहुंचते रहेंगे। मंदिर प्रशासन की भी अगर माने तो आज अनुमान है कि लाखों की तादाद में आज यहां श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे हनुमान जी के, और ये तस्वीरें दिन भर हम भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन यहां पर श्रद्धालु थके नहीं, आप थकी हैं? नहीं नहीं मैं थकी नहीं हूँ, मुझे तो बहुत जोश है भगवान जी का दर्शन करने का। हनुमान जी की बात करते हैं तो शक्ति अपने आप आ जाती है। बिल्कुल, श्री राम का नाम लेने से शक्ति तो अपने आप आ जाती है। कितनी देर से लाइन में लगे हैं? लाइन में लगे मुझे हो गया 45 मिनट, 45। अच्छा, कहते हैं हनुमान जी से जो मांगे, खास तौर पर यहाँ पर स्वयंभू हनुमान जी है, पूरा हो जाए। मुझे तो भगवान ने बहुत दिया, और इवन मैंने जो भी मांगा मेरा सारी मन्नत पूरी हुई है। जवाब, किस रूप में आप हनुमान जी को मानते? कोई उन्हें दोस्त मानता है, कोई बड़ा भाई, तो कोई पुत्र रूप? हनुमान जी को एक महान शक्ति, पराक्रम और सब कुछ देने वाला सर्वज्ञ, हम उनको हनुमान को इस रूप में मानते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़े हनुमान हैं। हनुमान जी को हम इसी रूप में जानते हैं और पूछते हैं। बिल्कुल, देखिए ये अतुलित बल धामम हेम शैलाभिधेयम धनुज बन कृषाणम ज्ञानिना अग्रमण्यम शकल गुण निधानम वानरा नाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी को इसी रूप में स्वीकार करते हैं हम, सब कुछ है हमारे लिए। बहुत खास ये स्तुति जो ये कहती है कि वो रघुवर के बहुत प्रिय है, हनुमान जी रघुवर के सबसे प्रिय है। या अगर हम बात करते रहे तो शायद हर श्रद्धालु एक भाव लेकर मंदिर पहुंचा है, हर श्रद्धालु का भाव है वो हनुमान जी को अपने अपने तरीकों से याद करते हैं। कोई उन्हें बड़ा भाई मानता है, तो कोई पुत्र, तो कोई सखा, तो कोई उन्हें अपना इष्ट मानता है। हनुमान जन्मोत्सव की ये तस्वीरें बेहद खास है जो हम आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस मंदिर से दिखा रहे हैं। देश के और दुनिया के तमाम हनुमान मंदिर में आज तस्वीरें कुछ ऐसी ही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, आज तक दिल्ली।